Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ वो कुछ इतनी खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको समर्स में कैजुअली पहन सकते हैं और बहुत सारे यूजेस में लेकर आ सकते हैं उसको। तो क्या वो प्रोडक्ट है, हम उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और उसके बारे में बात भी करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। तो भाई अनबॉक्सिंग तो इसकी इब्राहिम साहब ने बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी चप्पल है। आप देख सकते हैं सर्विस की चप्पल है और क्योंकि ब्रांड का नाम लिखा हुआ तो लेना तो पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये आई थी मुझे तकरीबन कोई 1200 के करीब, जिसमें से कुछ डिलीवरी चार्जेस थे और कुछ टैक्स थे, वो कर कर आके 1250 रुपये में या 1300 रुपये में मुझे पड़ी होगी। और मुझे एक चप्पल चाहिए भी थी क्योंकि मेरे पास जो चप्पल थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो मैं इसी तरह करता हूँ, सेल्स में ले लेता हूँ कभी कभार चीज़ें, और वो अगर एक सीज़न भी निकल जाती, मतलब अगर 1500 रुपये की जूती आपकी एक सीज़न निकाल लेती है समर्स का, मतलब 4 महीने निकल गए तो ठीक है, इट्स इनफ। और दूसरा मैंने ये लिया इस वजह से था कि मुझे ब्राउन कलर बहुत पसंद आया था, अच्छा कलर है इसका, और इसको जब मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार वाकई मज़ेदार चीज़ है। तो मैं एक नया सेगमेंट भी लेके आने लगा हूँ जिसमें मैं आपको सेल्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ये चप्पल भी मैंने सेल से ली थी, तो सर्विस पे सेल लगी हुई थी तो मैंने उसमें 50% ऑफ पर ये मैंने अपने लिए ले ली। मैंने कहा चलो कभी ना कभी काम तो आएगी। तो इसी तरह आप भी सेल्स में जाकर अपने लिए अच्छी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े ले सकते हैं, जैकेट्स ले सकते हैं और शूज़ ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। तो मेरा ये सोचना था कि मैं आपको इस बारे में भी गाइड करूँ कि आज इस ब्रांड पर इतनी अच्छी सेल लगी, जाओ जाके आप लोग शॉपिंग करें, ऑनलाइन कर लें तो भी ठीक है, अगर ऑफलाइन करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ऑफलाइन में मटेरियल का समझ आ जाता है कि हाँ यार मटेरियल कैसा है या चीज़ कैसी है, आप उसको पहन के चेक कर सकते हो कि आपके ऊपर अच्छी लग भी रही है कि नहीं लग रही। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और आपको ये बताऊँगा ऑनलाइन शॉपिंग की, तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह अचीव करते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग तभी करें जब आपने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मंगवानी हो। उसमें ये होता है कि आपको डिलीवरी चार्जेस कम पड़ते हैं, उसके साथ साथ टैक्सेस कम पड़ते हैं, शिपिंग कम पड़ती है। तो जब आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मंगवाते हो तो आपको कुछ ना कुछ बचत तो हो जाती है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इतनी नहीं होती जितना उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस पड़ जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपने मंगवाई 1000 रुपये की और उसके ऊपर टैक्स लगा 100 रुपये का, तो 1100 रुपये की चीज़ होगी। इसी तरह ही करते करते 250 रुपया, 300 रुपया या 200 रुपया उसके डिलीवरी चार्जेस हुए, तो वो 1000 रुपये की चीज़ आपको पड़ी 1300-1400 रुपये में, तो आपका आपके हाथ से तो 1500 रुपये ही है ना। इसलिए हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट करें, लेकिन प्रेफर यही करूँगा कि ऑफलाइन मार्केट में शॉपिंग किया करें। इसके साथ साथ जिन जिन ब्रांड्स पे जिन जिन जगहों पर सेल लगा करेंगी मैं आपको वो भी बताया करूँगा कि अब जाकर लूट लो भाई, लूट लो। तो जिस तरह मैंने लूटा उस तरह आप भी लूट सकते हैं। तो जी हम इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं, क्योंकि इतना कुछ था नहीं अनबॉक्सिंग में भी और इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहने के लिए। तो आप लोगों को गाइडलाइन देनी थी वो आप लोगों को मिल चुकी है, उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, किसी और चीज़ का रिव्यू करते हुए, किसी और चीज़ का व्लॉग बनाते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। About my money.